नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo V45G versus Nothing Phone 2A Plus 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो V40 में 6.46 इंच जबकि 2A Plus में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि V40 से कम है। विड्थ की बात करें तो V40 में 2.95 इंच जबकि 2A Plus में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो V40 में 0.3 इंच जबकि 2A Plus में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि V40 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो वेट दोनों फोन का सेम ही 190 ग्राम वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो V40 में AMOLED जबकि 2A Plus में फ्लेक्सिबल AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो V40 में 6.78 इंचेस जबकि 2A Plus में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन V40 में 1260x2800px FHD Plus और 2A Plus में 1084x2412px FHD Plus मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो V40 में 90.23% जबकि 2A Plus में 87.84% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो V40 में 453 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 2A Plus में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो V40 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और 2A Plus की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो V40 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 2A Plus की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो V40 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 2A Plus में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो V40 में Adreno 720 जबकि 2A Plus में Mali G610 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो V40 में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 और 2A Plus में MediaTek Dimensity 7350 Pro मिलता है। बात करें RAM की तो V40 में 8GB की RAM मिलती है, जबकि 2A Plus में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी V40 में 5500 mAh जबकि 2A Plus में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो V40 में 3 कलर्स जबकि 2A Plus में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो V40 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 38,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 2A Plus की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीस
12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Vivo V45G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Nothing Phone 2A Plus 5G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो F25 Pro 5G है, दूसरा Nothing Phone 2A 5G है, तीसरा Vivo V35G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V30 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।